अभी हम बजालता में मौजूद हैं और बजालता में आज एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। और बजालता में आप मेरे पीछे देखेंगे ये सारे जो खाली प्लॉट्स थे या प्लंथ वगैरह जो किए गए थे, इनमें आज जेसीबी जो है वो चलाई गई है। और ये बोर्ड आप देख सकते हैं जेडीए लैंड ट्रेस पासर शाल बी प्रोसिक्यूटेड जो है, इस तरह के बोर्ड विभिन्न जगहों पर खाली जगहें जो हैं वहाँ पर लगाए गए हैं। और जितनी भी खाली जगहों पर प्लंथ वगैरह जो डाले गए थे उनको डिमोलिश किया गया है, ये देखेंगे आप। इसी तरह से ऊपर भी काफ़ी सारे बोर्ड जो हैं खाली जगहों पे लगाए गए हैं। आज जेडीए विभाग की तरफ से काफ़ी बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिला यहाँ पे बजालता में। आज काफ़ी भारी यहाँ पे पुलिस दल बल के साथ यहाँ पे जेडीए विभाग जो है वो पहुँचा और ये जो जेडीए का रकबा था इसको जो है कस्टडी में ले लिया है। और बोर्ड वगैरह जो है सब जगह पे खाली जगहों पे जितने भी थे वहाँ पे लगा दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो मकान जो बन चुके हैं जो बन गए हैं इसको ये कहना गलत नहीं होगा कि देर आए दुरुस्त आए, आपने अपनी प्रॉपर्टी को संभाला। लेकिन जब ये मकान बन रहे थे आपका खिलाफ अर्जी ऑफ जो विंग था वो क्या कर रहा था, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती है या उनको तनख्वाहें जो हैं वो किस बात की दी जाती हैं। और आज आपको याद आ रहा है कि आपकी ज़मीनें यहाँ पे हैं और जो आपने यहाँ पे ये डिमोलिश किया है ये प्लंथ वगैरह ये जो सरिया वगैरह ये जो तोड़ फोड़ की है आपने, ये लाखों रुपया लगा करके यहाँ पे किसी ने मतलब यहाँ पे इसको खड़ा किया होगा। लेकिन इसके पीछे की अगर हम बैकग्राउंड देखें जिन लोगों ने ये सेल परचेज किया होगा, जो इसके पीछे के लोग हैं जो कॉलोनीज बनाते हैं काटते हैं फिर उनको सेल आउट करते हैं, उनके खिलाफ जेडीए क्यों नहीं कार्रवाई करता है, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई देखने को मिलती है। तो आज एक बड़ा एक्शन जेडीए विभाग की तरफ से जो यहाँ पे देखने को मिला, पूरा यहाँ पे जितनी भी खाली एरिया जितना भी था जेडीए विभाग का, बीच बीच में कुछ मकान थे कुछ और स्ट्रक्चर्स थे कुछ दुकानें थी उनको छोड़ दिया गया है, लेकिन जो खाली जो ज़मीनें थी वहाँ पे जेडीए ने जो है अपना कब्जा जो है वो जमा दिया है। वहाँ पे बोर्ड लगा दिए हैं, वहाँ पे जो ये प्लंथ वगैरह चढ़ाए डाले गए थे उसको जो है डिमोलिश कर दिया गया है, अपने बोर्ड लगा करके पूरा साइन दे दिया है कि इस जगह को जो है बिल्कुल भी कोई हाथ ना लगाए, ये जगह जो है जेडीए विभाग से बिलोंग करती है। और जेडीए ने आज यहाँ पे काफ़ी ज़मीन जो है वो रिकवर जो है वो की है और काफ़ी दल बल के साथ यहाँ पे लोग जो जेडीए विभाग के कर्मचारी हैं वो आए थे और ये सारा यहाँ पे जो हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये भी सोचने वाली बात है कि आज इतने समय के बाद जो है और जो जिन लोगों ने कॉलोनीज बड़ी बड़ी बना करके मतलब स्टेट लैंड या जेडीए लैंड को जब तक कॉलोनीज बनती हैं कटती हैं बिकती हैं और 1000-2000 रुपये मरला नहीं बिकती हैं, दो दो चार चार पाँच पाँच लाख रुपये मरला बिकती हैं ज़मीनें, तो तब तक कहाँ होते हैं ये सारे विभाग। जब लोग मतलब फंस जाते हैं झांसे में कोई पूछने वाला नहीं कोई मांगने वाला नहीं, ले लेते हैं पैसा दे के खरीदते हैं, उसके बाद जो विभाग की कार्रवाई क्यों देखने को मिलती है, और देखने को मिलती भी है तो उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं जिन लोगों ने सेल आउट की होती हैं, क्या उनके खिलाफ पीएसए क्या उनके खिलाफ मतलब सलाखों के पीछे उन लोगों को डालने की ज़रूरत नहीं बनती है जो लोग इस तरह के हैबिचुअल होते हैं जो सरकारी ज़मीनों पे पहले मतलब कब्जा करते हैं फिर उनको कॉलोनीज बना करके उनको काटते हैं फिर बेचते हैं और सड़कें या बाकी जिस तरह से आप मलकियत ज़मीनों में कॉलोनीज करती हैं उसी तरह की फैसिलिटीज़ की बात जो है वो स्टेट लैंड्स में या लोगों को धोखे में रख करके ज़मीनें जो है उनको सेल आउट करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो या कहीं ऐसा तो नहीं है कि विभाग जो भी हैं चाहे स्टेट लैंड रेवेन्यू या जेडीए या बाकी सारे विभाग जो हैं उनकी मिलीभगत से उनके ऑफिसर्स की मिलीभगत से ये जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं मिलीभगत करके जो हैं ये प्लॉट्स पहले सेल आउट करते हैं और उसके बाद पैसा इकट्ठा करते हैं, वो पैसा जो है सब जगह चढ़ता है। तो सेल आउट जब हो जाते हैं पता लग जाता है कि सेल आउट हो चुकी हैं, अब तो एक 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 मतलब कोई कहीं का उन्होंने ज़मीनें खरीद ली हैं अब वो वहाँ पे बनाना शुरू हो गए हैं, तो आप सारा अमला लेकर के आते हैं और जगह रिकवर करने के नाम पे लोगों का लाखों रुपए का नुकसान कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं वक्त रहते जो है इस तरह की कार्रवाइयाँ देखने को मिलनी चाहिए। और आज देर आए दुरुस्त आए जेडीए विभाग ने जो एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पे की है, जो खाली ज़मीनें जितनी भी थी जिन पे ये प्लंथ वगैरह डाले गए थे या अपना कब्जा जो है वहाँ पे रखा गया था किन्हीं लोगों के द्वारा, तो यहाँ पे जो है जेडीए ने उन सारे जो स्ट्रक्चर्स थे या जितने भी प्लंथ वगैरह थे उनको डिमोलिश किया है और ज़मीन जो है वो रिकवर की है। आपकी इस सब पे क्या राय है अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सेट इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग कैमरा मैन शाहनवाज के साथ।